न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने रविवार को भारत के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया है। सऊदी न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं और इसी के साथ उन्होंने श्रीलंका के लेजेंड गेंदबाज लासित मलिंगा के साथ क्लब में भी अपनी जगह बना ली है। सऊदी में खेले जा रहे इस मैच में भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए हैं। तो टिम साउदी ने ये हैट्रिक भारतीय पारी के आखिरी ओवर में ली है। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या का विकेट झटका। पांड्या लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मगर वो गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में नाकाम रहे और निशम ने पांड्या का कैच पकड़ उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा पहले गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में लॉकी फर्ग्यूसन को फाइनल लेग की दिशा में कैच थमा बैठे। सऊदी ने 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को भी गोल्डन डक पर आउट कर अपनी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी हैट्रिक पूरी की। फुल लेंथ गेंद पर सुंदर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मगर लॉन्ग ऑफ पर खड़े निशम ने आसान से कैच पकड़ उन्हें आउट किया और इस तरह सऊदी ने इतिहास रचा। सऊदी ने इससे पहले 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी। बात मलिंगा की करें तो उन्होंने 2016 में बांग्लादेश और 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 हैट्रिक ली थी। तो सऊदी के आखिरी ओवर में शतक वीर सूर्य कुमार यादव को एक भी गेंद खेलने को नहीं मिली क्योंकि पहली 2 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने 2-2 रन लिए थे। नतीजा ये रहा कि सूर्य कुमार यादव 51 गेंदों पर 111 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सूर्य ने अपनी इसी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए तो वहीं सऊदी ने 4 ओवर के कोटे में 34 रन खर्च कर 3 विकेट लिए। सूर्य के अलावा ईशान किशन को 36, ऋषभ पंत 6 और श्रेयस अय्यर ने 13 रन बनाए।